हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है, आप लोग देख रहे हैं वार की टेक न्यूज़। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा नोकिया 3.1 प्लस आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, सबसे बड़े प्रॉब्लम इसके और कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपको इस फ़ोन से दूर रहना चाहिए। सबसे पहले बात करूँ अगर इसके पहले प्रॉब्लम की, तो वो है इसकी स्क्रीन। सब समझ रहे होंगे 6 इंच की स्क्रीन है, तो बहुत ही अच्छी स्क्रीन होने वाली है, हाथ में काफ़ी अच्छा लगेगा, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। माना इसकी 6 इंच स्क्रीन है तो, लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो है 720 पिक्सल का। 720 पिक्सल का डिस्प्ले जो है वो आप अगर आप 6 इंच की स्क्रीन पर डाल रहे हो तो आपकी जो रेजोल्यूशन है वो बहुत कम मिलेगी आपकी स्क्रीन को। आप जो इसमें वीडियो देखोगे उसके पिक्सल्स फटेंगे, और अगर आप कोई सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कोई सुपर एमोलेड स्क्रीन यूज़ कर रहे हो, या आप कोई फुल HD प्लस स्क्रीन यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इस प्राइसिंग में फुल HD प्लस स्क्रीन आती हैं, वो छोड़ के अगर आप नोकिया 3.1 प्लस पे आओगे तो आपको वाजे फ़र्क पता लगेगा इसकी स्क्रीन में। क्योंकि 720 पिक्सल की स्क्रीन जो है उसमें पिक्सल फटते हैं, और जो सूरज के सामने अगर आप फ़ोन को यूज़ करोगे तो आपको देखने में भी प्रॉब्लम पेश आएगी। अब मैं बात करूँ अगर इसके दूसरे प्रॉब्लम की, तो वो है इसके चार्जिंग पोर्ट को लेकर और लैक ऑफ फास्ट चार्जिंग। यहाँ पर जो चार्जिंग पोर्ट है वो दिया हुआ है आपको माइक्रो USB का, और नोकिया 5.1 प्लस में आपको दिया हुआ है टाइप सी का। और जो प्राइसिंग है नोकिया 5.1 प्लस जो है वो 11,000 का है, और ये 11,500 का है इंडिया में। मतलब एक चीज़ जो है वो नोकिया 5.1 प्लस से महंगी है, और उसके अंदर आप जो है वो माइक्रो USB का पोर्ट डाल रहे हो। माना नंबर्स में भी ये कम है, नोकिया 3.1 प्लस है ये, लेकिन यहाँ पर इनको USB टाइप सी का पोर्ट डालना चाहिए था, और फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए थी। यहाँ पर कोई भी फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती आपको, आपका फ़ोन जो है बहुत लेट चार्ज होगा क्योंकि लैक ऑफ फास्ट चार्जिंग है यहाँ पर। अब मैं बात करूँगा इसकी आखिरी प्रॉब्लम की, तो वो है इसके फ्रंट कैमरा को लेकर। देखने में इसका फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, कोई बोलेगा यार 8 मेगापिक्सल काफ़ी होता है सेल्फी के लिए, लेकिन जो अपर्चर है वो है f2.2 का। मतलब ये है कि लो लाइट में सेल्फी जो है बहुत ही बेकार आएगी, लो लाइट के लिए कैमरा है ही नहीं। यहाँ पर आपको कैमरा जो है अगर ये 8 मेगापिक्सल ही देते, इसका अपर्चर जो है वो f1.8 रख देते तो बहुत ऑसम सेल्फी आती, 2.0 भी होता तो ठीक था, लेकिन अपर्चर इतना बेकार है तो सेल्फी जो है वो लो लाइट में अच्छी नहीं आने वाली। और कहने को तो बहुत कुछ है इस फ़ोन के लिए, क्योंकि ये नोकिया 5.1 प्लस से प्लस का छोटा वर्जन है, लेकिन प्राइसिंग उससे ज़्यादा है। लेकिन नोकिया कहता है कि लोकल मार्केट के लिए है, लोकल मार्केट में भी लॉन्च करेंगे तो कमीशन वगैरह एक्सेट्रा समझ सकता हूँ मैं, लेकिन ये सेट वही लोग लें जो लोकल मार्केट से ले रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो ये सेट नहीं परचेज करें, क्योंकि ऑनलाइन के लिए सेट नहीं है। ऑनलाइन में इससे कहीं ज़्यादा अच्छे अच्छे सेट आपको इससे कम प्राइसिंग पे मिल जाएंगे। खैर, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।